हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन लिक्विडिटी बेस एंट्री के बारे में जानने वाले हैं कि लिक्विडिटी बेस एंट्री क्या होती है एंड आप मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपन इसका स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं कि सारी एंट्रीज कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो आपको जो भी मैं चीज़ें बताने वाला हूँ थोड़ा प्रॉपरली तरीके से देखिएगा एंड प्रैक्टिस करिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, आपका मार्केट क्या है कि एक सिनेरियो पे रन हो रहा है। ठीक है, लाइक सपोज करिए यहाँ से आपका मार्केट कुछ इस तरीके से डाउन आया। ठीक है, एंड देन मार्केट ने यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक, आप पीओआई कुछ भी कह सकते हैं, आपका यहाँ पे एक जोन था। ठीक है, आप समझिए कि आपका यहाँ पे एक जोन था, उस जोन के अंदर आपका मार्केट क्या करता है, टैप करता है। ठीक है, जैसे ही आपका मार्केट यहाँ पे टैप करता है उसके बाद मार्केट अप जाने का ट्राई करता है, यहाँ पे अपना मार्केट क्या करता है कि हाई ब्रेक करता है। ठीक है, हाई ब्रेक करने के बाद में अगेन मार्केट यहाँ पे अपना हाई ब्रेक करता है। ठीक है, यानी कि मार्केट जब जब हाई ब्रेक करेगा मार्केट हमेशा अप जाने का ट्राई करेगा। मार्केट ने हाई ब्रेक किया, मार्केट अप गया। ठीक है, तो मार्केट क्या हुआ कि यहीं से अपने इस जोन से बाहर आ गया। बाहर क्यों आ गया, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई लिक्विडिटी हो। अब लिक्विडिटी क्या होती है, मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई कैंडल है। ठीक है, कैंडल किस तरीके से, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपकी यहाँ पे एक कैंडल बनी हुई है कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ, ये आपकी ग्रीन कलर की कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल की लिक्विडिटी ये है कुछ इस तरीके से, ये इस कैंडल की लिक्विडिटी है। ठीक है, अब मार्केट क्या किया, लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट हमेशा अप आया और मार्केट ने क्या किया, यहीं से लिक्विडिटी ले ली है। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे करते हैं, ये लिक्विडिटी जोन है पूरा का पूरा। ठीक है, तो एक तो हो गई कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ग्रेप की, यहां से मार्केट ने लिक्विडिटी ली एंड देन आपका मार्केट क्या हो गया कि यहां से नीचे आना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हो सकता है कि इसके पीछे लिक्विडिटी थी बट मैंने वो ड्रॉ नहीं किया। क्यों, क्योंकि आपको चीजें थोड़ा समझानी थी मुझे एक्स्ट्रा में। ठीक है, अब लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट आपका डाउन आया, मार्केट ने क्या किया, रिसेंट वाला लो ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपना आईडीएम कंफर्म हो गया, इल्यूजमेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इल्यूजमेंट जैसे आपका कंफर्म हुआ तो क्या हुआ कि आपका हाई पॉइंट कंफर्म हो गया। ठीक है, अब इस तरह एंट्री कैसे लेते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, इल्यूजमेंट लेने के बाद क्या हुआ, जस्ट मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर पुल बैक दिया एंड मार्केट धीरे धीरे डाउन आना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंड एक टाइम पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आके मार्केट रुक गया अब अपना। अब यहां पे देखिए लिक्विडिटी बेस्ड एंट्री जो होती है वो कैसे ली जाती है, उसको समझिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये वो पॉइंट है जहां पे आपका मार्केट ने लास्ट टाइम लिक्विडिटी लगाई थी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैंडल की विक, तो सबसे लास्ट टाइम मार्केट ने यहां तक कैंडल की कोई ना कोई विक थी उसको लगाई। अब देखिए, अब यहां पे मेन चीज, बहुत जो चीजें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट आप लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। सबसे इजी चीज यहाँ पे ये है समझने वाली कि आपका ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक लिक्विडिटी है, आप इसको यहाँ ना माने यहाँ भी मान सकते हैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, तो इसको ऐसे कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, या आप इसको नहीं करना चाहें तो अपनी जगह भी रख सकते हैं। ये आपकी एक लिक्विडिटी है। ठीक है, आपके मार्केट क्या क्या अप गया, अप से डाउन आया, आपने लगा दिया कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो ये आपका होगा चोज, यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ये कुछ एक लाइन आपने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दी, अगर आपका मार्केट इस लाइन को ब्रेक करता है तो आपका होगा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो सुनिए। आपका जो भी टाइम फ्रेम हो सकता है आप 5 मिनट पे ट्रेड करते हो, 10 मिनट पे ट्रेड करते हो, 15 मिनट, 13 मिनट, 2 आवर, 4 आवर, 1 आवर या 1 डे, जिस पे भी आप ट्रेड करते हो वही टाइम फ्रेम आपको देखना है। अगर मान लीजिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं और आपका मार्केट यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपनी फर्स्ट जो कैंडल है उसको, ये जो चोज वाली लाइन है मैं लिख भी देता हूँ इसको, चोज वाली अगर लाइन के नीचे आपका मार्केट अपनी कैंडल क्लोज करता है तो आपको सेल का एंट्री प्लान करना है। क्या बोला मैंने, अगर आपका मार्केट चोज करता है या आपका मार्केट डाउन साइड में इस चोज के नीचे कैंडल क्लोज करता है तो आपको एक सेल का एंट्री प्लान करना है।
अगर आपका मार्केट कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज ना करे, यहाँ पे चाहे एक कैंडल हो चाहे यहाँ पे कुछ इस तरीके से दो तीन कैंडल हो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, चाहे चार कैंडल हो चाहे पांच कैंडल हो, बट मार्केट हमेशा लिक्विडिटी लेके अप जा रहा है अप जा रहा है, यही चीज अपने को देखनी है, ठीक है। आपके मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी लेके अप गया, तो फर्स्ट जो कैंडल होगी लिक्विडिटी वाली, इसी को लिक्विडिटी कैंडल बोलते हैं। जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट कैंडल अप क्लोज की, किसके चोच के ऊपर क्लोज की, ओनली चोच के नीचे विग मारा, तो आपको कुछ नहीं देखना, आप डायरेक्ट पीएनएल लगा के यहां पर लगा दीजिए अपना प्रॉफिट और यहां पर लगा दीजिए अपना एसएल पॉइंट। इस तरीके से आपको इसमें एंट्री प्लान करनी है और ये फर्स्ट ऑफ द टॉप फाइव आपको पकड़ना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप मार्केट से कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये आपका लिक्विडिटी बेस्ड एंट्री था। सेम आप समझिए आपका मार्केट क्या करता है, अब आपका मार्केट क्या करता है, यहां से बाई साइड में जाना स्टार्ट करता है, कुछ इस तरीके से मार्केट यहां तक आ जाता है, ठीक है। अब यहां तक आने के बाद में सेकंड केस देखिए कि यहां पर भी ऊपर चोज है, इसके ऊपर क्लोज करता है, तो अपन बाई प्लान करेंगे क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका होगा। अगर आपका मार्केट जो है उससे पहले क्या करे कि आपकी जो कैंडल है उसको नीचे क्लोज कर दे, ओनली सिर्फ ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करे चोज के ऊपर, तो आपको सेल करना है डायरेक्टली, कुछ भी वेट नहीं करना है, ठीक है। आपको डायरेक्टली सेल करना रहेगा, इसमें किसी भी चीज का आपको वेट नहीं करना है, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ओबी, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास में क्या वो मार्केट आता है एंड कैंडल क्लोज करता है, तो आपको उस केस में क्या करना होगा कि मार्केट को आपको देखना होगा कि जब भी आपका मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंट्री करता है उस टाइम पे आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाना है, ओनली 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको सारे स्ट्रक्चर चेक करने, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया सारे स्ट्रक्चर आपको चेक करने, अगर आपको कोई डाउन की एंट्री मिलती है यानी कि सेल साइड की एंट्री मिलती है तो आप वहां से एक सेल साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ भी नहीं करना है। अब ये एंट्री कैसे प्लान होगी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप स्विच हो गए, ठीक है, तो ये जो आपको एंट्री मिलेगी कुछ इस तरीके से मिलने वाली है एंट्री, ये कुछ इस तरीके से आपको एंट्री मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका यहां पे मान लीजिए आईडीएम, ये आपका हो गया बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉस, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ये आपका हो गया बॉस, ये आपका हो गया आईडीएम क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली आईडीएम। आईडीएम होने के बाद मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया ये डायरेक्ट आपका चोज हो गया, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे आईडीएम पेंडिंग अंदर पड़ा होगा तो डायरेक्ट चोज होगा। चोज होने के बाद मार्केट में यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बचे होंगे, तो यहाँ पे आप जो भी ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग हो उसको देखना एंड एंट्री प्लान कर देना एक्सेल की, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एंट्री ले सकते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद क्या आपका मार्केट अगेन यहां से क्या करता है, मार्केट धीरे धीरे डाउन आना स्टार्ट करता है, ठीक है, मार्केट डाउन आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, मार्केट डाउन आया, मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद क्या हुआ, अब इस बार देखिए ये यहाँ पर कुछ ना कुछ लिक्विडिटी पॉइंट था, इसको मार्केट ने यहाँ कैंडल ने क्लोज नहीं किया, यहाँ पे वही सेम कैंडल बनाई लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट अब गया लेकिन थोड़ा सा अब जाके इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि लिक्विडिटी जो पॉइंट्स होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे आपको ड्रॉ करने, मार्किंग करना है चार्ट वगैरह पे, और इससे आप ट्रेड लेंगे तो आपकी जो ट्रेड होगी वो काफी इजी रहेगी आपको लेने में और चीजें भी आसान हो जाएगी। अब थोड़ा सा अपन चार्ट पे देखते हैं इन्हीं चीजों को। ठीक है, यहीं से एक पॉइंट पकड़ लेते हैं। यहां पे देखिए मार्केट ने किया क्या है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, किसमें, सेल साइड की तरफ, ठीक है। ब्रेक होने के बाद मार्केट क्या गया, अप गया
लेकिन किसी हाई को ब्रेक नहीं किया, ये इसका क्या हो गया, लो पॉइंट हो गया इक्वल वाला। क्या इसने मार्केट को किसी ने ब्रेक किया, इसको भी मार्केट ने किसी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया, लेकिन क्या हुआ यहां पर इक्वल लो लगा दिया। तो यहां से मैंने जैसा आपको बताया, इसको टच करे कुछ भी करे, आपको डायरेक्ट एंट्री यहां से प्लान कर देना है। ठीक है, यहां से बाई एंट्री लगाइए, आपका एसएल ओनली 18 पिप्स का रहेगा और फर्स्ट हाई आप यहां तक भी ले सकते हैं, यहां तक आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए एंट्री आपको पकड़ में नहीं आती है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आपको दिख भी रही होगी कुछ। ये ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, इसको 1, 2, 3 एंड 3 टाइम टच करके 4 टाइम इसको क्लोज किया है। ठीक है, 4 टाइम क्लोज करने के बाद अपने पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बच जाता है। कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला। इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट आया, मार्केट ने इसके अंदर कोई कैंडल नीचे क्लोज नहीं की ना ऊपर की, एंट्री क्लोज करके यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बनाया। वही डायरेक्ट आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करना है, आपका एसएल ये रहेगा ये वाला पॉइंट, और प्रॉफिट फर्स्ट टारगेट ये वाला रहेगा। तो यहाँ पर 1:2 रेशो आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट हो जाएगा एज ए बॉस। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में मार्केट अप गया, ये एक न्यूज टाइम का इफेक्ट था। ठीक है, तो इसको आप आईडीएम डायरेक्ट कंसिडर करिए, बड़े वाले भी। ठीक है, या किसी और को भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या है आखिरकार, यहाँ पे आने के बाद मार्केट के बीच में क्या था, ये एक इम्बेलेंस पॉइंट था। ठीक है, ये इम्बेलेंस बचा हुआ था, इसके पास मार्केट आया, देन मार्केट ने टैप किया एंड मार्केट अप चले गया। ठीक है, ये इम्बेलेंस पूरा का पूरा बचा हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या था, यहाँ पे भी इम्बेलेंस पेंडिंग है। ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इम्बेलेंस पेंडिंग है। ठीक है, तो ये सारे इम्बेलेंस जो है ये बीच में पेंडिंग रहे हुए हैं। तो कभी ना कभी मार्केट क्या करेगा, इन इम्बेलेंस को फिल करने के लिए जरूर आएगा। ठीक है, अब वो अपने को भी नहीं पता, मार्केट का सिनेरियो अपने को देखना पड़ेगा कि मार्केट कब डाउन आएगा, कब इन इम्बेलेंस को फिल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अब चले गया पूरा का पूरा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कैंडल के बीच में ये इम्बेलेंस है कि नहीं आपको कंसिडर करना पड़ेगा, बट ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी एक एंट्री पॉइंट है, ये एक न्यूज इफेक्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी, बट एक एंट्री तरीका है जिससे आप ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए आप। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लाइन वगैरह मिला मिला के चेक कर सकते हैं चीजों को बार बार। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सेम सिनेरियो किया, मार्केट अप गया डाउन आया, इसने इसकी लिक्विडिटी ली, यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी को कलेक्ट किया। तो लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, लिक्विडिटी पे आया एंड यहाँ पर मार्केट ने डोजी कैंडल बनाई, यहाँ से मार्केट बाय में गया। तो जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट कैंडल क्लोज की, आपको वेट करना है, एंड डोजी बनी, आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आपका एसएल वही वाला। ठीक है, तो आई होप आपको चीजों समझ में आ रही होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप फर्स्ट हाई रखिए, सेकंड हाई रखिए, ये आपके ऊपर है आप कितना प्रॉफिट एंड एसएल वगैरह लेना चाहते हैं। सेम क्या हुआ, यहाँ पे भी लिक्विडिटी थी, ये देखिए जैसे ही मार्केट ने कैंडल क्लोज की, वेट करना है, इस बार थोड़ा एसएल अपना बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया, आप वेट करना चाहे डाउन तक कर सकते हैं, ये आपका एसएल रहेगा। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट टारगेट, बाकी आप जितना प्रॉफिट लेना चाहें ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आपको लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड करना है और अच्छा खासा आप प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।